आज आपको संदेश देना चाहेंगे कि भारत अगर स्वच्छ होगा तो अंतरिक्ष से बड़ा खूबसूरत नजर आएगा। तो आइए स्वागत करिए, ये बच्चे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान। ये अभियान कभी बंद नहीं होना चाहिए, ये अभियान हमेशा चलता रहना चाहिए, क्योंकि विश्व में लोग भारत को कभी भी ऐसी दृष्टि से ना देखे कि वो गंदा देश हो। एक महान देश है, उसे महान बनाने का, उसे स्वच्छ बनाने का हम सबका, हम सभी उसमें एक एक वर्ग, छोटे बच्चे बड़े सब शामिल होने चाहिए। किसी एक से कहे से उद्देश्य पूरा नहीं होता, और इसी को लेके आज आपके समक्ष आ रही लिटिल फ्लोवर हाई स्कूल के बच्चे स्वच्छ भारत अभियान। बच्चन जी, हाँ जी, बस इतना ही? हाँ, और क्या? अब मेरा जादू देखिए, ये वाला पत्थर वहाँ मारूंगा और इंसान निकलेंगे। इंसान? हाँ इंसान। अरे कौन है भाई? देखो। अरे यार क्यों तुम लोग गांव की इज्जत पे धब्बा लगा रहे हो? बाहर से लोग आएंगे तो क्या समझेंगे? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार जो है वो शौचालय बनाने में मदद कर रही है, तो आप भी अपने घर में शौचालय बनाइए, परिवार को उसका इस्तेमाल करवाइए। अच्छा मेरी नहीं सुनते हैं तो कम से कम ये समझदार आदमी की तो सुन लीजिए। बचपन में हमें सिखाई जाता है कि स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। बड़ी होते होते हम उस बात को भूल गए हैं। कृपया करके अपनी परिसर, अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। स्वच्छ भारत सिर्फ प्रधानमंत्री की नहीं है, ये सपना सबकी है। अभी आपके सामने स्वच्छ भारत अभियान की नाटक प्रस्तुत करने के लिए छात्र छात्र आ रहे हैं। भारत माँ, मुझसे आप क्या चाहते हो माँ? बेटा मुझे इस बंधन से छुड़ाओ बेटा, मुक्त करो बेटा। जरूर माँ, जरूर। हे मेरे भारतवासियों, जागो, जगाओ, देश के खातिर एक हो जाओ। हम सब मिलकर भारत माँ को गुलामी के जंजीरों से मुक्त करें। बोलो भारत माता की जय। आजादी दिए हमारे प्यारे बापूजी को हम बचा नहीं सके, महात्मा जी अब स्मारक बने हैं, लेकिन उनकी विचारधारा केवल भाषण के लिए सीमित रह गई है। हमारे देश के लिए स्वतंत्रता कितनी जरूरी है, उतनी जरूरी है स्वच्छता। हमारे देश की नदियाँ, तालाब, घर बाहर सब कुछ स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। आओ हम सब मिलकर गंदगी दूर करें, देश को स्वच्छ बनाए। सफाई ही सफलता का मंत्र है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम।
गांधी जी के इस सपने को हम सब मिलकर साकार करें। महात्मा गांधी जी की जय। स्वच्छ भारत का निर्माण करें। महात्मा गांधी जी की जय। बापू जी की जय। बापू जी की जय। हे पुत्र सांस लेना भी मुश्किल बन गया है। मुझे इस गंदगी से मुक्त करो बेटा। 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छ सुंदर देश घर संसार करना है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। केवल एक बार सफाई करने से जिम्मेदारी पूर्ण नहीं हो जाती, भविष्य में गंदगी ना फैलाने की ओर ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इरादा कर लिया हमने।